अब थोड़ा सा और सिद्ध करते हैं, ये शिव पुराण स्पष्ट करेगा। ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इस पे देखिएगा, इसमें देखिएगा ये पांच अध्याय समाप्त होता है रुद्र संहिता का, और ये छठा प्रारंभ होता है रुद्र संहिता अध्याय छह। इसमें नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पिताजी, आप हमें बताइएगा कि इस संसार की सृष्टि किसने की, आपने की या विष्णु जी ने की या शिव जी ने की है? और इसमें हमने सुना है कि देवी जो है ये बहुत ही अच्छी जो है शक्ति है, ऐसे ऐसे। तो क्या बताता है ये पढ़िएगा, अपनी स्वयं पढ़िएगा, आप पढ़े लिखे शिक्षित हो। रुद्र संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 99। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोक के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवतव का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवतव का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उसमें सत सद्ब्रह्म, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा, तत् माने वह सद्ब्रह्म, सच्चा साहेब, सच्चा भगवान। इस सरूति से जो सत सुना जाता है एकमात्र ही शेष था। आगे देखिएगा, जिस ब्रह्म के बारे में, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार की कल्पना की। वह आगे देखें, आइए, जो यहां देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, जिसने अपनी निराकार कहे हैं उसी ने कहते हैं साकार मूर्ति, भगवान सदाशिव हैं। उस निराकार की साकार मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। आगे देखना सदाशिव की क्या डेफिनेशन बताएंगे। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह के स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री को अपने शरीर से बाहर निकाला, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। ये देखना ध्यान से, प्रधान ये गीताजी में काम आओगे आपका, जब गीताजी के 14वें अध्याय को सुनाएंगे।
उस पराशक्ति को यानी दुर्गा को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ओह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली यानी उनकी माता, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब देखो स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, त्रिदेव जननी और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी काल ने अपने शरीर से, काल के शरीर से परमात्मा ने निकाली थी, वास्तविकता ये है। उसकी 8 भुजाएं हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। यहां देखो वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना वे सदाशिव जिसको कहते हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। अब देखो ये जो सदाशिव कहा इन्होंने, वो भगवान सदाशिव हैं और उसी उसने एक समय विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, तो वो सदाशिव को काल भी कहते हैं। ये देखो वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ओह ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ, नाथ नहीं ये शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उसमें उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव पति पत्नी रूप में, प्रियतम प्रिया और प्रियतम रूप जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपनी है, मुने उस शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उसको अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छानुसार वितरें और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखो ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था, उसमें सतगुण की अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था। अब देखो 101 पर पढ़ा आपने, अब 102 पर देखें। 102 पे अब शिव ने कहा, वत्स वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ, शिव ने कहा, उस काल ने कहा कि बेटा आपका अव्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णुनाथ नाम विख्यात हुआ, उसका विष्णु नाम रख दिया। अब देखो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु पैदा किया था ऐसे ही मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभिक मन में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस काल रूपी ब्रह्म तें अर्थात सदाशिव तें ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति सिद्ध कर दी। आगे चलकर इस काल ने ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, इनके बीच में एक स्तंभ रख दिया, तेजो में स्तंभ बीच में डाल दिया, तो ये दोनों उसके और छोर ऊपर नीचे देख कर उसका एंड देखने लगे, उसका कहीं उनको और छोर नहीं मिला। फिर वहाँ कहते हैं वो साकार परमात्मा ये काल प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम दोनों मेरे से उत्पन्न हुए और तीसरा जो रुद्र है वो भी मेरे से उत्पन्न होगा और तुम मिलकर के जो है इस सृष्टि के कार्य को प्रारंभ करो।
अब यहाँ देखाते हैं, क्योंकि यहाँ जो लेखक ने, अनुवादकर्ता ने ये सोचा कि तू जो लिख रहा है, अनुवादकर्ता इसमें गड़बड़ कर गया है, बाकी संस्कृत वाली में और अच्छी तरह क्लियर है। तो यहाँ नौवें अध्याय में स्पष्ट किया है, ये चार सिद्ध कर दिए। ये देखो, ये अध्याय नौ चल रहा है, ये अध्याय नौ यहाँ समाप्त होता है, प्रश्न नंबर 110 पे, वही संक्षिप्त शिव पुराण नौवां अध्याय में एंड में लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी ये शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। शिव कौन है? ये काल है।